हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो जैसा अब मुझे पता है आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने अपने लाइफ में व्यस्त होंगे। तो जैसा कि पता है आप लोगों की, हम लोग गांव गए थे और गांव में पूजा पाठ बहुत ही बढ़िया तरीके से हो गया। बहुत भव्य पूजा पाठ का आयोजन हुआ और फिर उसके बाद रात में बच्चे बहुत थक गए थे, प्यारे प्यारे बच्चे, तो फिर थकने के बाद सो गए थे। बुआ जी यहाँ पे कर रही हैं। और आपको पता है कि इंटरेस्टिंग मुझे ये भैया मिले गाँव में। देखिए, आप कहने को होता है ना कि मतलब ये सब काम लड़कियों का होता है, और गाँव में होने के बाद सूप, इसको सूप कहते हैं, इतना अच्छा चावल को जो है वो, इसको हम लोग चावल पछोरना कहते हैं अपने गांव भाषा में। तो ये लड़के होने के बावजूद भी बहुत बढ़िया से कर रहे थे, तो और इतने एक्टिव कि मतलब 24 आवर्स वाले बढ़िया। तो गांव में सभी लोग ऐसे होते हैं। तो रात में भंडारा भी बहुत बढ़िया से हो गया था और सब लोग सो गए थे। अब होने वाली है हमारी नेक्स्ट मॉर्निंग। तो अब आज के दिन हमको निकलना है गांव से और हम लोग रेडी हैं। बुआ जी बना रही हैं कढ़ी, क्योंकि आज था पितृ विसर्जन और हम बुआ जी के हाथ की कढ़ी बहुत बढ़िया होती है। तो बाकी हेल्पिंग हैंड्स के साथ बुआ जी ने कढ़ी बनाया, सब्जी और क्या कहते हैं, रोटी, सब कुछ, चावल सब कुछ बना। सब लोग रेडी हैं, सब लोग खा पी के, बस अब हम लोग को निकलना है अपने घर के लिए। तो अब चूँकि मैं हूँ यहाँ की बहुरिया, तो यहाँ पे हम लोग कार में अब बैठ गए हैं सब लोग। हम लोग को जो गांव के लोग हैं, बहुत ही मतलब इतना उन लोगों का प्योर हार्ट होता है ना कि मतलब दे आर ऑलवेज रेडी टू डू हेल्प। तो हमेशा ये लोग जो हैं रेडी हैं हम लोग की विदाई के लिए। अब गाड़ी हमारी चलने वाली है और मैं यहाँ से देखते हुए, मतलब ठीक है, हर जगह जैसा देश वैसा भेस होना चाहिए। वो कहावत है ना कि सोच नहीं अच्छी लगती है लेकिन संस्कार पुराने ही अच्छे लगते हैं। तो मुझे भी अच्छा लगता है, जैसा देश वैसा भेस। अपने आप को वैसा अपडेट रखिए, बहुत एडवांस बनिए, अपने विचारों से एडवांस बनिए, अपने संस्कारों से नहीं। अब हम लोग गांव से निकलने वाले हैं और सच बताऊं तो थोड़ी इमोशनल मैं भी हुई, क्योंकि मुझे भी यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था। पापा जी अब सबको जो है चलते चलते शुभ आशीर्वाद के रूप में नेक दे रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने अभिराम को, मेरे बेटे को, सबको जो है नेक पहुँच दिया, मतलब आशीर्वाद स्वरूप सबको दिया उन्होंने। और अब सभी लोग, पापा जी अभी रुकेंगे यहाँ पे 2-3 दिन के लिए, क्योंकि इतना काम फैला हुआ है कि उसको समेटना और फिर चलना, तब वो आएंगे। और हमारी गाड़ी चल चुकी है और बच्चे, बुआ जी बगल में बैठी हुई हैं, सब लोग बहुत थके हैं। अभी राम बाय बाय बोल रहे हैं, सब लोग यहाँ से निकल चुके हैं। सच बताऊँ तो गांव में हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया और सच में बहुत अच्छा लगा। मन और रहने का था लेकिन अब रुकना पॉसिबल नहीं था। यहाँ पे रास्ते में पड़ता है एक महारेस गाजीपुर में स्थान है, जो लोग बिलोंग करते होंगे जानते होंगे। वहाँ की पकौड़ी बहुत फेमस है, हम लोग रुक के वहाँ की पकौड़ी खरीदे और सब लोगों ने बहुत ही चाव से खाया और सच में बहुत 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 बढ़िया पकौड़ी थी, प्याज की पकौड़ी थी, सब लोगों ने बहुत मन से खाया। पहुँचते पहुँचते हम लोग को बहुत, चूँकि हम लोग को गाजीपुर से जाना था इलाहाबाद प्रयागराज, तो बहुत लंबी जर्नी थी, 6 से 7 घंटे लग गए थे। बच्चे बहुत थक गए थे, तो बच्चे रोने भी लगे थे। फिर हम लोग रात में घर पहुंच गए।